मैया की जय। जी हाँ, बंद हो जाएगा तो हमको इसी पार रह जाएंगे। ये देखो भाई, हनुमान जी का गद्दा, और यहाँ देखो जय श्री राम, जय राम जी का तस्वीर। बड़ी गौर से ध्यान दिया तो इसमें पुराने पुराने सिक्के एडजस्ट किए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत। सो गुड मॉर्निंग गाइस, तो फिर से आ चुके एक नए वीडियो के साथ, एंड फ्रेश वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राम मंदिर का द्वार किधर से है और किधर से जाया जाता है। तो सबसे पहले आप यहां से स्नान कीजिएगा, और स्नान करने के बाद ही राम मंदिर की तरफ जा सकते हैं। तो हम लोग जल्दी से जल्दी चलते हैं, स्नान करते हैं और चलते हैं सीधा राम मंदिर। नहा चुके हैं, और नहा के मेरे पास ड्रेस भी चेंज चुका है। अभी भी देखिए मस्ती कर रहे हैं लोग, पूरा फोटो शूट कर रहे हैं लोग, लेकिन बाहर निकलने का इन लोगों का मन नहीं है। अभी भी है पूरा, ये रहे कैमरामैन और ये रहे फोटो खिंचवाने वाले। भाई साहब इतना सुंदर सा इधर, मतलब क्या बताया, निकलने का थोड़ा भी मन नहीं कर रहा था भाई, इतना अच्छा लग रहा था। चुके हैं, अब चलते हैं थोड़ा सा चंदन टीका करवाते हैं, और सबको ही कपड़ा वपड़ा पहन लिया, सामान भी रेडी हो चुका है, सूरज भी चले गए टीका कराने। में कुछ इस तरह दिखा था, अभी डे में देखो कैसा दिख रहा है भाई, क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है। और इसमें रात में ये पानी नहीं था इसमें, बट सुबह में पानी इसमें फिल हो गया, मतलब उधर से बोरिंग जैसा चल रहा है और पूरा पानी आ रहा है, लोग नहा भी रहे हैं, लोग पूरा फुल एंजॉय हो रहा है भाई। साइकिलिंग लो, यहाँ से राम मंदिर 2 किलोमीटर है, और हम लोग ऑटो करेंगे लो, ऑटो करके जाएंगे लो, पहले हनुमानगढ़ी चलेंगे लो, तो पहले हनुमानगढ़ी चलेंगे लो उसके बाद राम मंदिर, ठीक है। तो देखते हैं कितना किलोमीटर दूर है, आई थिंक 2 किलोमीटर समथिंग दूर है राम मंदिर, ठीक है चलो। तो भाई फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं लो हनुमान मंदिर की तरफ, और बताओ सा भाई देखो ये रहा बेड़ा, ये सामने दिख रहा है हम लोगों को, रेलवे स्टेशन इधर लग रहा है। हाँ रेलवे स्टेशन से ही ना पास में ही है, रास्ता बंद हो जाएगा तो हमको इसी पार रह जाना पड़ेगा। देखिए राम मंदिर का दृश्य, और ये जो सूर्य सूर्य का जो दृश्य देखे थे हम लोग अभी तक वीडियो में, मेरे हकीकत सामने में है, उधर से हम कोशिश करेंगे कि सामने से दिखाएं, बढ़िया से दिखाएं, क्योंकि अभी ऑटो में आया तो कुछ दिक्कत है। तो ये हनुमानगढ़ यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, तो हम फोटो में ही देखे थे कि हर दुकान के आगे जो शटर है उसमें बढ़िया बढ़िया चित्र है। ये देखो भाई हनुमान जी का गद्दा, और यहाँ देखो जय श्री राम लिखा गया, और राम जी का तस्वीर है, और यहाँ तीर धनुष का जो सिंबल है वो चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। और ये रही हनुमानगढ़ी, जो यहाँ पे पहले जाएंगे लो ये मंदिर रहा, उसके बाद वहाँ पे राम जी का गेट है, तो पहले यहाँ चलते हैं लो और उसके बाद चलते हैं लो, एक बार नारा हो जाए जय श्री राम। तो यहाँ से प्रसाद ले लो अंकल जी के पास, और 2-3 फोन चार्ज में भी लगा दिए हैं लो, चलिए हो गया आपका, और सामान भी यहाँ पे रख दिए लो। तो भाई उधर से आते आते पैसा देंगे लो और सारा सामान लेंगे लो, और फिर से ही कर जाएंगे लो, तो चलिए चलते हैं लो, इधर से हम लोग जाएंगे लो, और एक बार नारा लग जाए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलो भाई यहाँ से मंदिर का गेट है, और हम लोग सबको ही प्रसाद ले लिए हैं लोग, और देखो सबके पास प्रसाद है, तो भाई चलते हैं पहले पूजा करते हैं उसके बाद। लंबी लाइन बाबा क्या होगा, चलो देखते हैं लंबी लाइन, वो देखिए कितना तगड़ा भीड़ हो गया भाई, अभी यहाँ से लाइन में लग रहे हैं, हालत खराब हो जाएगा, लग रहा है कि मतलब 1 घंटा लाइन ही लग जाएगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक है भाई, और ऊपर भी जाना है। तो भाई चलो देखते हैं लो कितना देर लगता है, ये तगड़ी सी लाइन यहाँ से लेकर वहाँ तक कितना देर लगेगा भैया, 1 घंटा तो लग जी भाई, कम से कम 3 घंटे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई देखो ये वहाँ तो हम लोग दिख रहा है हनुमान मंदिर, और हम लोग अभी लगभग 500 मीटर दूर हैं लो, तो चलो चलते हैं लो, देखते हैं लो कितना देर लग रहा है। जय 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 ज
जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये इतना सारा सीढ़ी चढ़ के चलना पड़ेगा हम लोग का। आप दर्शन तो नहीं कर सकते हैं ना कि एलसीडी के मदद से भगवान का दर्शन। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। पूरा हनुमान मंदिर का दृश्य है। हाँ भैया, आ रहे आ रहे। तो ये कुछ इस तरह है, पूरा तो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो बाहर ही निकला जा रहा है। चलो, जय श्री राम। तो ये कुछ यहाँ पे संत भी बैठे हुए हैं जो चलो आशीर्वाद तो लेते हैं। यहाँ पे संत बाबा बैठे हुए हैं। इतना ज़्यादा भीड़ होगा अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ था यहाँ, तो दब गए थे मेन गेट पे ही। और कुछ मंदिर का दृश्य ऐसे है, और भीड़ तो आप लोग पूछे ही ना किस तरह भीड़ है भैया। तो ये कुछ ऐसा भीड़ है, भाला दिख रहा है, बहुत ही पुराना पुराना भाला दिख रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं भाई। और ये कुछ घंटा राम मंदिर में भी देखना है हमको, बहुत ज़्यादा बड़ा घंटा लगा है, तो वो चीज़ें देखना है हमको। तो भाई अभी यहाँ से तो निकलेंगे लोग सीधा राम मंदिर की तरफ। चलो भाई, यहाँ से राम मंदिर चलेंगे लोग और क्या बताएं हम कितना आनंद मिल रहा है मेरे को यहाँ पे। बड़ी गौर से ध्यान दिया तो इसमें पुराने पुराने सिक्के एडजस्ट किए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही पुराने पुराने सिक्के लगाए गए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भाई। हनुमान जी का आशीर्वाद मिला, ये फूल सबको ही पहना है, यहाँ पे देख सकते हैं सबको आशीर्वाद। अभी तो हम लोग विजिट हो रहे हैं लो, और हम लोगों का फोन भी उधर है, और यहाँ से राम मंदिर का कुछ दृश्य दिख रहा है। देखो भाई, तो भाई पास में चलते हैं और पास में चल के दिखाते हैं हम लोगों का। तो एंट्री इस साइड से हुआ है, इधर से जाते जाते, और विजिट होकर मंदिर पूरा घूम के इस साइड से आए हैं, मतलब विजिट गेट इधर आप लोगों को मिल जाएगा, एंट्री गेट जो इधर है आपको। सारा सामान कलेक्ट कर लिया लो, जैसे कि मोबाइल था, पर्स था, और बैग भी था हम लोगों का, और चप्पल जूता, तो यहाँ से ले लिए लो। आगे चल रहे हैं राम मंदिर, तो आप कर लीजिए। हाँ गुड। तो भैया इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगला ब्लॉग जरूर देखिएगा क्योंकि राम मंदिर का दृश्य दिखाने वाले हैं। तो चलिए।